रीवा पुलिस हुई सख्त, बहुत हुआ भाईचारा, आवाज का कोतहूल फैला तो डीजे सहित आयोजक पर भी होगी अब कार्रवाई। बता दें कि पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने लोगों से अपील की, बच्चों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करें आयोजन। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर अब रीवा पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। रीवा SP ने साफ कर दिया है कि शोर मचाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ साथ अब कार्यक्रमों के आयोजकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल वैवाहिक आयोजन और अन्य कार्यक्रमों में निरंतर कोतहूल अधिनियम की अनदेखी कर रहे डीजे एवं साउंड के ऊपर पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके शोर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चल रही बोर्ड परीक्षाओं को नजर रखते हुए देखा गया कि चारों ओर DJ एवं साउंड बॉक्स का शोर हो रहा है। निरंतर आ रही शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन पर बीती रात बड़ी कार्रवाई की गई है। रीवा के विश्वविद्यालय चौरेटा, समान, कोतवाली एवं सिविल लाइन सहित जिले भर में एक साथ कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें दर्जनों DJ साउंड जब्त किए गए हैं। बता दें कि वैवाहिक आयोजन के दौरान तेज आवाज में बज रही DJ पर जब पुलिस ने कार्रवाई करने का प्रयास किया तो कुछ जगह विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई, जिसके बाद साउंड बॉक्स को पुलिस ने जब्त कर लिया। SP विवेक सिंह ने लोगों से अपील की है कि चल रही बोर्ड परीक्षाओं एवं बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियम विरुद्ध साउंड बॉक्स का उपयोग न करें। SP विवेक सिंह ने कहा कि यदि आगे इस तरह के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो DJ साउंड संचालक के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजक पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं और वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन भी चल रहे हैं, इसमें आपके दिशा निर्देश पे पूरे जिले भर में कार्रवाई की जा रही है। सर्वाधिक कार्रवाई शोर शराबे के विरुद्ध कहाँ दर्ज की गई है? जैसा कि सबको जानकारी है और माननीय CM साहब शासन और PHP ने भी निर्देशित इसमें किया है, और जहाँ पे भी कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन पाया जाएगा उसमें कार्रवाई लगातार की जा रही है। अभी बच्चों के एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग भी चल रही है, और कहीं पे जो उल्लंघन पाए जाते हैं और खासकर 10 बजे के बाद अगर तेज आवाज में कहीं वो आवाज़ आती है तो उसमें पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई की है। अभी तक जो सर्वाधिक कार्रवाई हुई है वो शहरी क्षेत्र में हुई है, खासकर विश्वविद्यालय चौहटा, समान और बिछिया थानों में ये कार्रवाई हुई है। करीब 8-10 कार्रवाई अभी तक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें जो साउंड बॉक्सेस हैं उसके साथ साथ जो गाड़ी है उसको भी जब्त किया जा रहा है, और जो DJ का ओनर है उसके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जा रही है। सभी से अपील है कि नियमों का पालन करें। कई बार ये भी DJ जो संचालक है उनका कहना होता है कि हम 10 बजे बंद कर रहे हैं, अब स्पीकर संचालक कहना है कि हम 10 बजे बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन जो जिसने बॉक्स को हायर किया है वो उसको जबरदस्ती हमसे आगे करवाना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो हमको बाध्य होके जो आयोजक हैं या उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई करनी पड़ सकती है।